फिर कब्र के अग निकले कब्र के अल्लाह की अजाब तो डरना चाहिए। रब फरमाता इन नपत शरब भी कर शदीद, फरमाया मेरा इतना सख्त अजाब है। फरमाया चलो आ गया वक्त, किन्ने के दिहाड़े आकर के टूरेगा, किन्ने के दिहाड़े फखर ना टूरेगा, किन्ने के दिहाड़े जद अमली विच वक्त गुजारेगा। मुसलमाना कोई पता नहीं मौत कदों आ जाए, किस वक्त आ जाए। फरमाया मौत के आने तो पहले पहले तौबा कर ले, मौत के आने तो पहले पहले। फरमाया किन्ना अखा के जहन्नम की अग हराम है, पूछे सोने के लिए। फरमाया पहली की अख ओ जिहड़ी अल्लाह के खौफ विच रहिंदी, बोलो बोलो अल्लाह के खौफ विच। मेरे मुर्शिद पाक का एक खलीफा होया जिहदा नाम ही खलीफा होना सी, पूछा गया कि इन्हें का नाम रोना क्यों गया है। आप फरमाते हैं बोल रहे होते ना आप देखो मैं कर गया सर, अल्लाह देखो कुछ इन्ना नहीं दे सर, अल्लाह जानता है अल्लाह वाले ये गल्ला ही है। इमाम सिद्दीकी साहब बकरियों ने मौला ने डॉक्टर साहब ने मोहम्मद सिद्दीकी साहब हजरत ख्वाजा मुहक्कम दीन शरानी समय चटे वाले हैं जिन्हें बहावल पड़ोगे आप दखान का शरीफ निजार मुबारक है। आप जिस घोड़े पर सवारी करते हैं दिखा ना उस घोड़े में तवक्कुल रखे हैं, उस घोड़े के नाम की रखे थी। आप वही नहीं सन खड़े तो घोड़ा भी नहीं सिखा, आप भी बह के मुराक में रेंगे सन तो घोड़ा भी कोई खड़ो रहा। एक दिन तो नौकर साइड ठीक कहता कि मैं घोड़े के नाम के धौन में फड़ के ना तो मैं लाड प्या करा कि जड़ी कफीयत ख्वाजा साहब की थी वो ही कफीयत उस घोड़े की हुई थी। तो जब मैं आज उन्होंने फड़िया ना तो घोड़ा भी रो गया क्या, मैं भी वो रो गया तो ख्वाजा साहब भी रो गया। यानी अल्लाह वाले ने अगर किसी जानवर की भी मुसीबत हो जाए तो उस जानवर ने भी उसी तरह उन्होंने छड़िया। फरमाया जड़ी अख अल्लाह देखो अंदर वाले की वाले मन खा पम महामारत की जन्नत। सैयद नगर फरूक रजी अल्लाह ताले के दौर से उस दौर के अंदर एक मस्जिद नबवी का आबद सी, वो आबद इबादत जब करन जाता से ना तो कोई औरत वो चेहरे पर आशिक होकर ना तो उन्हें गली च खलो के कह लगी मेरी एक बारी गल सुन। आपने फरमाया मैं वे ला इबादत करन चले गए, दूजी बारी फिर उन्हें आवाज मारी तो कह लगा मैं वेला नहीं। तीजे दिन कह लगी जिदी मुहब्बत पारा तू घरों पर जाना तेन मौजूद की मुहब्बत का वास्ता है, सिर्फ अंदर कदम रख के मेरी गल सुन लिया मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। उस अल्लाह के बंदे ने जब कदम चुप के अंदर रखा उन्हें अपनी मर्जी पेश की। दो तरह का जिक्र आता है, एक तो जिक्र आता है कि अल्लाह हू अकबर की आवाज आई उसके कान में, दूसरा आता है कुरान की आवाज आई। उस बंदे ने चीख मारी तो रूह की परवास कर गई, फौत हो गया। उन्हें चुकया जिहदा पुत्र है सी रातों रात ही रूह अगे सुकया जिहड़े वल्ले वड्डे दसदन चढ़िया, उन्हें वेख्या बाप ने कि मेरा मस्जिद नबवी का आबद पुत्र नहीं आया। पता नहीं की गल है जनाब जोड़े वेले उन्हें वेखिया ना ध्यान पुत्र के आया कोई नहीं, उन्हें वेखिया बाहर दरवाजा खोलिया तो बेटा फौत छिद कोई रौला नहीं पाया, लाया तुलाया कफन दिता दफन कर दिता। फिर उठे आलम आए उन्होंने पता लगा इंज करके बंदा को खुदा के खौफ च मर गया। तो फरूक फरमाते कि उदू जी आशिक जी के कबर की ज्यादत करनी चाहिए, ये भी आशिक जी के कबर की ज्यादत करनी चाहिए। सैयदा फरूक आदम रजी अल्लाह तआला उस नौजवान की कबर से जाके खड़े हो गए, पता लगा अगर कबर से जाना मना होता तो फिर उन कदीरी कबर से ना जाते। आपने फरमाया ऐ मर्द साले नौजवान मेरे रब का फरमान वाले मन खा पम महामारत की जन्नत, मेरे रब का फरमान जरा खौफ सच जान दे दे उन्हें दो जन्नता अता करना, तेन वो जन्नत मिली है कि नहीं मिली। फरू कहते ने मैं कब्र विचों आवाज आई अल्लाह मेरे सैयद ने परुके आजम रजी अल्लाह तआला फरमाने ने कि मैं खबर चो आवाज आई कि अल्लाह ने जनता मेरे वास्ते मुसलमानों
सरकार ने फरमाया जहन्नम को गुलाम नहीं रखा, जहन्नम को बोलो बोलो यार जहन्नम को पनाह मंगिया करो तो जन्नत की चाहत रखी करो। हम जहन्नम को पनाह मंगण रखी तरीके नबी करीम अलैहि सलातु वसलाम ने वो दुआएं दसी, वो दुआएं नहीं फरमाया जहन्नम को पनाह मंगण की दुआ है कि तुम दुआ करो करो जहन्नम मैंने जहन्नम की अग तो महफूज कर, जहन्नम की अग तो मैंने महफूज करना कि मैंने मौला करीम जन्नत फिरदौस जन्नत नईम जन्नत आदम जन्नत मावा जन्नत दारुल खुल्द दारुल मकामा दारुल सलाम जन्नत नईम जाला जन्नत मावा से मैंने अता करना। दुआ करो करो कि या अल्लाह अपने मौजूद के वसीला जलीला के नाल सानू जहन्नम तो महफूज करवा ते जन्नत अता करवा। तो दुआ है कि जान वाले दे इशाने सवाब करने वास्ते डॉक्टर इम्तियाज मुगल साहब फलक शेर साहब जनाब जमशेद साहब जिन्होंने अपने बुजुर्गों की रूह इशाले सवाब करने की खातर यह सिलसिला कायम फरमाया। अल्लाह करीम अपने महबूब के वसीले जिन्हें उन्होंने हमेशा वास्ते जन्नत अल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमाए।